हमको भारत का मनुष्य बनाना। क्यों जी? भारत में क्या विशेषता है? बोले हाँ। क्या? बोले स्वर्ग। भारत में उत्पन्न होने वाले जीव अच्छे कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर सकते। स्वर्गापवर्गा अपवर्ग। अपवर्ग किसको कहते हैं मेरे भाई बहन? अपवर्ग। आप सुंदरकांड में वितात स्वर्ग अपवर्ग सुख अपवर्ग। तो आजकल तो ये पढ़ाई नहीं होती है। पहले पढ़ाई होती थी। मेरे दादाजी मेरे को पढ़ाते थे क ख ग ग ङ ये कवर्ग हो गया, च छ ज ज ये चवर्ग चवर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ण ऐसे। तो प फ ब भ म ये पवर्ग। तो ए पवर्ग ये पांचों न हो, न प हो, न फ हो, न ब हो, न भ हो, न म हो, उसको कहते हैं ए पवर्ग। तो क्या है वो पांचों? ध्यान से सुनिए, काम की चीज। पाप फलासा बैर भय मृत्यु जहां पर नाही, पै फै पै भय मैं नहीं सो अपवर्ग कहाई। जहां पाप नहीं है और फल की इच्छा नहीं है, पाप फलासा फल की आशा नहीं है, पाप फलासा बैर, जहां बैर नहीं है, भय भय नहीं है और मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, उसको कहते हैं मोक्ष। तो भारत में पैदा होने वाले जीव अच्छे कर्म करें स्वर्ग मिलता है और अच्छे करें तो मोक्ष मिलता है और अच्छे करें तो भवंत भूय पुरुष सुरत्पाद मनुष्य देवताओं के जैसा पूजे जाने लगता है। आज भारत में देखो कई लोगों की पूजा भगवान के जैसे हम लोग करते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसे कर्म किए। तो ये भारत की महिमा है मेरे भाई।